नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं डिटेक्टिव। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने आधार कार्ड की डिटेल्स को करेक्ट कर सकते हैं थ्रू बुक अपॉइंटमेंट इन एनरोलमेंट सेंटर्स। इसके पहले आपको UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि आपको वीडियो के नीचे लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। फिर उस वेबसाइट पे जाके आपको बुक एन अपॉइंटमेंट में क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको मेनली दो ऑप्शन मिलेगा, एक है UIDAI रन आधार सेवा केंद्र और एक रजिस्टर रन आधार सेवा केंद्र। UIDAI रन आधार सेवा केंद्र बहुत ही सीमित नंबर पे है, आपको हर एक सिटी पे एक या दो ही मिलेगा। लेकिन अगर आप लोकलिटी के कोई भी आधार सेवा केंद्र से अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप नंबर से लॉगिन करना होगा। ये आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल है। यहाँ पर कैप्चा को फिल करने के बाद आपको क्लिक करना होगा सेंड OTP पे। आपके उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वन टाइम पासवर्ड, जो कि आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद क्लिक ऑन सबमिट OTP एंड प्रोसीड। यहाँ पर एक न्यू फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक न्यू एनरोलमेंट यानी नया आधार कार्ड बनवाने के लिए और अपडेट आधार यानी आधार कार्ड करेक्शन के लिए। तो मैं अपडेट आधार के क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे आधार कार्ड को करेक्ट करना है, इसके डिटेल्स को। अब जो भी आधार कार्ड को आप करेक्ट करवाना चाहते हैं उस आधार कार्ड पे नेम एंड आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा। मैं नेम इंटर कर रहा हूं, फिर आधार कार्ड की नंबर आपको बहुत ही केयरफुली इंटर करना होगा क्योंकि ये वन टाइम प्रोसेस है, दोबारा आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको रेजिडेंट टाइप सेलेक्ट करना होगा। एज एन इंडियन मैं इंडियन रेजिडेंट सेलेक्ट करूंगा, और अगर आप नॉन इंडियन है तो नॉन रेजिडेंट इंडियन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेगा कि कौन कौन सी चीजें आप अपने आधार कार्ड पे करेक्ट करवा सकते हैं। पहले है नेम, देन जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, जहाँ पर इंक्लूड होगा आपका फैमिली के हेड की नेम करेक्शन भी, और बायोमेट्रिक्स। तो फिलहाल के लिए मैं अपने मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहता हूँ, तो मोबाइल नंबर पे सेलेक्ट करके प्रोसीड कीजिए, क्लिक ऑन ओके। फिर आप जिस भी मोबाइल नंबर पे अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर टाइप कीजिए। फिर आप यहाँ पर प्रॉपरली कैप्चा को फिल कीजिए। नाउ क्लिक ऑन सेंड OTP। आपके उस नंबर पे एक OTP जाएगा, जो वन टाइम पासवर्ड को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। नाउ क्लिक ऑन वेरीफाई OTP। जैसे कि देख सकते हैं आपके मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। सारे डिटेल्स देख के आप क्लिक कीजिए सेव एंड प्रोसीड पे। अब यहाँ पर UIDAI के कुछ स्पेशलाइज्ड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो कि आपको एग्री करना होगा, देन क्लिक ऑन सबमिट। आपको एक अपॉइंटमेंट आईडी मिलेगा, जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर क्लिक कीजिए बुक अपॉइंटमेंट पे। अब यहाँ पर आपको नियरेस्ट कोई भी एनरोलमेंट या फिर अपडेट सेंटर को सिलेक्ट कीजिए बाय नेम इन वर्ड्स। मेरा लोकेशन के हिसाब से मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ कांचरापाड़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे लोकेशन पे दो अपडेट सेंटर्स हैं जहां पर मैं अपॉइंटमेंट बुक कर सकता हूं। लेकिन पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर सारे डेट्स ग्रीन दिखा रहा है तो इसका मतलब सारे डेट्स पे अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, और अगर रेड दिखा रहा है तो उन डेटों में अवेलेबल नहीं है कोई भी स्लॉट, तो आप दूसरा अपडेट सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब देख सकते हैं यहाँ पर मेरे एरिया में कोई भी अपडेट सेंटर का स्लॉट खाली नहीं है, तो मैं दूसरा एरिया भी सिलेक्ट कर सकता हूँ।
जैसे देख सकते हैं थोड़े दूसरे जो सेंटर्स हैं वहां पर भी फिलहाल के लिए कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे ही आप बाई पिन कोड सर्च कर सकते हैं एंड स्टेट डिस्ट्रिक्ट पोस्ट ऑफिस एंड सिटी के हिसाब से भी आप अपडेट सेंटर को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मेरे एरिया में कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए जो सेंटर्स है वो अवेलेबल नहीं है स्लॉट्स, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो प्रोसेस है वो कैसे करते हैं। अब प्रॉपर अपने अपडेट सेंटर को सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पर एक प्रॉपर डेट सिलेक्ट कीजिए जो कि ग्रीन दिखा रहा है, इसका मतलब उस डेट पे टाइम स्लॉट्स अवेलेबल है। फिर आप एक प्रॉपर टाइम स्लॉट सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना होगा सबमिट पे। फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको एक फॉर्म डाउनलोड करने के ऑप्शन मिलेगा। फॉर्म को डाउनलोड करके आप प्रिंट कर लीजिए जो कि एक आधार अपडेट फॉर्म है। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको प्रॉपर डेट एंड प्रॉपर टाइम पे उस एनरोलमेंट सेंटर पे पहुंचना होगा और वहां पर आपको वो फॉर्म सबमिट करना होगा। उसके बाद कुछ ही दिनों में आपके आधार कार्ड की डिटेल्स अपडेट हो जाएंगे जो कि आप UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कंफर्म हो सकते हैं, या फिर आपके मोबाइल नंबर पे भी एक मैसेज आएगा कि आपके आधार कार्ड की डिटेल्स सक्सेसफुली अपडेट हो चुके हैं। उसके बाद आप अपने आधार कार्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉपी जो कि है ई आधार वो डाउनलोड कर सकते हैं। ई आधार कैसे डाउनलोड करते हैं उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।